नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। आरजेडी के नरकटिया के विधायक जो हैं उनके खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जाएगी। दरअसल उन पर आपराधिक मुकदमे जो है, आपराधिक मामले जो है, ये छिपाने का आरोप है और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अब चुनाव आयोग जाएंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। आपको बता दें कि नरकटिया विधायक शमीम अहमद है उनके खिलाफ जो है अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग जाएंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल जो लोग हैं, हम आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी, वरीय अधिवक्ता एचडी संजय, मीडिया प्रभारी राकेश सिंह शामिल हैं और राधिका रमन खुद शामिल हैं जो शिकायत करने जा रहे हैं। सुनिए इन लोगों ने क्या कुछ कहा। चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक चुनाव जीत कर आए हैं उन्होंने अपने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है और तथ्यों को छिपाया है, जिसके कारण उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपने शपथ पत्र में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया है, जबकि उनकी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है कि उनके खिलाफ दो आपराधिक मामले लंबित हैं। चुनाव सेल के संयोजक श्री राधिका रमन जी इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे। क्या पूरी बात है सर? पूरी बात यह है कि उन्होंने जो एफिडेविट दिया और पार्टी के द्वारा जो C7 और C2 प्रकाशित किया गया वो मेल नहीं करता। जब मेल नहीं किया तो हमने इसकी जांच की तो तहकीकात में पाया गया कि इन्होंने C1 जो इनको देना था और साथ ही साथ जो C4 इनको देना था इन्होंने देने का काम नहीं किया, ना ही इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करने का काम किया। साथ ही साथ इनको जो खर्च देना था, खर्च के साथ अगर इन पर कोई आपराधिक मामला है तो उसमें भी इन्होंने कोई मामला देने का काम नहीं किया है। इसलिए हमने अपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब से बात किया और बात करने के बाद जब यह मामला संज्ञान में आया तो आज हम लोग चुनाव आयोग आए। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने कहा है कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और जल्द ही शमीम अहमद पे जो भी एक्शन होगा हम इसमें कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने इन लोगों ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर कहना है कि आपराधिक जो मामले इन पर दर्ज थे वो छिपाया गया है, जिसके बाद अब कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, ज्ञापन सौंपने के लिए अब ये लोग आगे जाएंगे। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एनबीसी 24। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। NBC 24, सच की ताकत।